Redmi Note 12 Pro जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, जो जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है, फास्ट रिफ्रेश रेट OLED डिस्प्ले, न्यू 6nm 5G प्रोसेसर, स्लिक इन डिजाइन, ह्यूज बैटरी, फास्ट चार्जिंग एंड मेनी मोर। दोस्तों आज मैं Redmi Note 12 Pro Dream Galaxy कलर का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूँ, जो आई कैचिंग डिजाइन के साथ आता है। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं टेकस्ट्रीट। और जैसे कि आपको पता है, लेटेस्ट कंज्यूमर अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला की वो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के होल्ड करिए, हमारी टेक टीम को ज्वाइन करिए, ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग से शुरू कर लेते हैं। तो ये है Redmi Note 12 Pro का व्हाइट कलर में बॉक्स। बॉक्स के ऊपर फोन की ब्रांडिंग मिल जाती है, साइड में भी फोन की ब्रांडिंग मिल जाती है, और यहाँ पे रैम स्टोरेज इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और ये 8GB रैम 256GB स्टोरेज वेरिएंट है, और नीचे Dolby Atmos का ब्रांडिंग भी मिल जाता है। और इस प्राइस रेंज में बहुत ही कम ऐसे फोन है जो Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आते हैं। बॉक्स के प्लास्टिक को कट कर लेते हैं और लीड को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले कार्डबोर्ड बॉक्स मिल जाता है, और ये है Redmi Note 12 Pro फोन ड्रीम गैलेक्सी कलर में। यह 67W का पावर एडेप्टर और टाइप सी टू ए केबल मिल जाता है। बस बॉक्स में यही सब कुछ मिलता है। दोस्तों मैंने ऑलरेडी Redmi Note 12 Pro व्हाइट कलर का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में मिल जाएगी, जरूर से देख। और इस वीडियो में तो सिर्फ ड्रीम गैलेक्सी कलर के डिजाइन दिखाने वाला हूँ। फोन के प्लास्टिक रैप को रिमूव कर लेते हैं और बात करते हैं फोन के डिजाइन और बिल्ड की। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं बैक में काफी डिफरेंट पैटर्न देखने को मिल जाती है, जो ग्रेडिएंट फिनिश के साथ आती है। और वैसे तो ये नॉर्मल लाइट में वायोलेट कलर जैसा लगता है, लेकिन लाइट के रिफ्लेक्शन से डिफरेंट कलर्स देखने को मिल जाते हैं। बॉटम में फोन की ब्रांडिंग मिल जाती है और साथ में 5G का ब्रांडिंग भी मिल जाता है। टॉप लेफ्ट में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है जो बम्पी मिलता है, और कैमरा मॉड्यूल का कलर प्लेन मिल जाता है। मॉड्यूल में मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड कैमरा के लेंस बड़े मिल जाते हैं, और माइक्रो कैमरा का लेंस छोटा मिल जाता है, और कैमरा मॉड्यूल में 50MP का ब्रांडिंग भी मिल जाता है। फोन का बैक ग्लास का बना है और डिजाइन बॉक्सी मिल जाती है। फ्रेम और बैक दोनों फ्लैट मिल जाते हैं। फोन का वेट करीब 190 ग्राम्स का है और थिकनेस करीब 7.9mm की है। तो इन हैंड फील तो काफ़ी अच्छी मिलेगी क्योंकि फोन इतना हैवी नहीं है। और दोस्तों Redmi की Note 12 सीरीज जल्दी ही इंडिया में लॉन्च होने वाली है, वो कंफर्म हो चुका है। फोन में डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंच की सेंट्रल पंचोल OLED डिस्प्ले मिल जाती है, रिजोल्यूशन फुल HD प्लस मिल जाता है, रिफ्रेश रेट 120Hz की मिल जाती है, और मैक्स ब्राइटनेस लेवल 900 nits तक मिलता है। फोन में परफॉर्मेंस और कैमरा के बारे में डिटेल में देखने के लिए आपको फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो देखना पड़ेगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं इसी Redmi Note 12 Pro के ड्रीम गैलेक्सी कलर के बारे में, कैसी लगी आपको डिजाइन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट न्यू अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला की वो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए, और हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग।